लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि एंटिटी 606 एंड होगा लला हीरो ब्राइन के भाई जीरो ब्राइन की लाश को लेकर ऊपर मून पर चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हीरो ब्राइन अपने भाई जीरो ब्राइन को जिंदा कर ले, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो जीरो ब्राइन एंटिटी 606 की तो छुट्टी कर देता। लेकिन स्टीव एक रॉकेट की मदद से जैसे तैसे करके ऊपर मून पर पहुंच गया था, लेकिन पता नहीं वहां पे होगा लला क्या कर रहा था। लेकिन जैसे ही स्टीव थोड़ा आगे गया, वहां पर जीरो ब्राइन की लाश पड़ी हुई थी जिसको हीरो ब्राइन जिंदा करना चाहता था, और जैसे तैसे करके जीरो ब्राइन की लाश को वापस स्टीव हीरो ब्राइन के पास ले आया, और हीरो ब्राइन अपने भाई जीरो ब्राइन की लाश को देखकर बहुत ही सैड हो चुका था। तो गाइस एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो चुकी है, हीरो ब्राइन बहुत ही गुस्से में है क्योंकि हम लोगों से एक बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोग मून पर गए थे और जैसे तैसे करके हीरो ब्राइन के भाई जीरो ब्राइन की लाश को वापस ले आए थे, लेकिन हम लोग उस बेचारे की सॉड उठाना भूल गए थे जो बिल्कुल हीरो ब्राइन की तरह थी। मतलब हीरो ब्राइन के पास जो सॉड है वो ब्लू कलर की है और जीरो ब्राइन की जो सॉड थी वो रेड कलर की थी। पता नहीं गाइस अब क्या होगा, क्योंकि हीरो ब्राइन का कहना है कि अगर हम लोग कैसे भी करके जीरो ब्राइन को जिंदा भी कर ले तो वो अपनी पावर्स और शक्तियों को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाइस हीरो ब्राइन का कहना है कि जीरो ब्राइन अपनी सॉर्ड की मदद से अपनी सारी पावर्स को यूज करता था। हीरो ब्राइन, क्या आज हम जीरो ब्राइन को जिंदा कर पाएंगे? तो फाइनली गाइस हीरो ब्राइन बहुत ही खतरनाक मूड में है और हीरो ब्राइन का कहना है कि आज हम लोग कैसे भी करके जीरो ब्राइन को जिंदा कर लेंगे और उसके बाद बताएंगे एंटिटी 606 और एंटिटी 303 को। लेकिन गाइस हीरो ब्राइन ना आप लोगों से बहुत ही दुखी है, क्योंकि हमारे चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और अभी तक भी काफी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करना ताकि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड आप लोग देख पाओ। लेकिन एक मिनट हीरो ब्राइन, अरे ये तुम क्या कर रहे थे? और गाइस ये है हीरो ब्राइन का भाई जीरो ब्राइन, जो बेचारा काफी हजार साल पहले मर चुका था, लेकिन आज हीरो ब्राइन इसको जिंदा करने वाला है। और गाइस ये रहा पूरे 100 ज़ॉम्बीज का खून, क्योंकि जीरो ब्राइन को जिंदा करने के लिए पूरे 100 ज़ॉम्बीज का खून उसके अंदर लगेगा, ऐसा हीरो ब्राइन ने कहा था। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हीरो ब्राइन आखिर इसको कैसे जिंदा करेगा। अरे बाप रे बाप, हीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन कुछ तो बताओ यार, ये तुम क्या कर रहे हो? गाइस आप लोगों ने एक बात नोट करी, यहाँ पर एक और भी ब्लॉक है, एक ब्लॉक के ऊपर तो जीरो ब्राइन है, दूसरा ब्लॉक किस? अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे ब्लॉक के ऊपर हीरो ब्राइन उस दरिंदे हुलालाला को रखेगा जिसको हम लोगों ने ट्रैप कर रखा है? क्योंकि देखो गाइस हीरो ब्राइन ने कहा था कि जब भी हम लोग जीरो ब्राइन को जिंदा करेंगे तो हमें एक पावरफुल एंटिटी का डीएनए चाहिए होगा, और इसलिए हम लोगों ने होगालाला के भाई हुलालाला को ट्रैप कर रखा था ताकि टाइम आने पर हम लोग उसका डीएनए निकाल के जीरो ब्राइन को जिंदा कर पाए। लेकिन गाइस ये काम इतनी आसान नहीं होगा, और हीरो ब्राइन भी उसी बेस के अंदर जा रहा है। हीरो ब्राइन रुको यार, बात तो सुनो। गाइस आज हीरो ब्राइन बहुत ही दुखी है और अंदर से बहुत ही गुस्से में है। लगता है जीरो ब्राइन को जिंदा करने के बाद ये दोनों भाई मिलके सभी एंटिटीज को मार देंगे। बाप रे बाप, हीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन बात तो सुनो, तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से काम करो। अगर तुमसे छोटी सी भी गलती हो गई ना, तुम्हें पता नहीं है पूरी माइनक्राफ्ट को तबाह बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक बार सोचो, अगर तुमने छोटी सी भी गलती कर दी और जीरो ब्राइन जिंदा होने के बाद तुम्हें नहीं पहचान पाया और वो नल और एंटिटी 303 का दोस्त बन गया, तो सोचो हम लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि जीरो ब्राइन जिंदा होने के बाद अपने भाई हीरो ब्राइन को पहचान लेगा, क्योंकि इन दोनों की रगों में एक ही खून है। लेकिन गाइस जो मेरे दिल के अंदर मुझे डर लग रहा है ना, वो ये है कि अगर ऐसा हो गया कि जीरो ब्राइन ने हीरो ब्राइन को ना पहचाना तो फिर हीरो ब्राइन क्या करेगा। लेकिन गाइस आज मेरा मन बहुत ही उदास है, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि 20,000 लाइक पूरे हो जाएं और हीरो ब्राइन बहुत ही हैप्पी हो जाए। हीरो ब्राइन, अरे बाप रे बाप, गाइस लगता है हीरो ब्राइन इस दरिंदे का डीएनए निकालने वाला है और अपने भाई जीरो ब्राइन को जिंदा करने वाला है। लेकिन देखते हैं गाइस
क्योंकि 100 ज़ॉम्बीज का खून ये कोई नॉर्मल खून नहीं है और इसके अंदर हीरो ब्राइन ने अपना खून भी मिलाया था। लेकिन एक मिनट, हीरो ब्राइन, अरे बाप रे बाप, ये क्या? अच्छा गाइस, मेरे को पूरी बात समझ आ चुकी है, ये कोई नॉर्मल आग नहीं है, इस आग के अंदर हीरो ब्राइन की एक बहुत ही स्पेशल पावर है। हीरो ब्राइन इस आग के गोले को जहां भी लगा देता है तो वहां से कोई भी एंटिटी मोब आगे नहीं आ सकता, मतलब एक तरह की आप इसको बाउंड्री कह लो। और हीरो ब्राइन ने ये इसलिए लगाया होगा ताकि ये दरिंदा हुला लला यहाँ से भाग ना जाए या फिर जीरो ब्राइन को यहाँ से ले ना जाए। वैसे गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि हीरो ब्राइन ज्यादा सुंदर है या फिर जीरो ब्राइन? प्लीज यार कमेंट में बताना। और गाइस, मुझे तो लगता है कि जीरो ब्राइन आज के आज जिंदा हो गए एंटिटी 303 और एंटिटी 606 को मार डालेगा, क्योंकि हीरो ब्राइन का मानना है कि उसके पास बहुत सारी पावर्स है। लेकिन हीरो ब्राइन, यहाँ पे तुम क्या कर रहे थे? अरे बाप रे बाप, ये क्या है? एक मिनट, लगता है कोई मैप है। ओ माय गॉड, जादू मैन। गाइस, इस मैप का नाम है जादू मैन। हीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन, इस मैप का मैं क्या करूं आखिर? तो गाइस, हीरो ब्राइन का कहना है कि हमें सबसे पहले एक छोटी लैब बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम लोग जीरो ब्राइन को जिंदा करेंगे, क्योंकि गाइस हीरो ब्राइन कह रहा है कि जैसे ही हम लोग जीरो ब्राइन को जिंदा करेंगे तो इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा और मैं नहीं चाहता कि हमारी पहले वाली बेस या फिर घर खराब हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पे एक लैब बनानी पड़ेगी। और गाइस, हीरो ब्राइन का कहना है कि हम लोग ये काम अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि जीरो ब्राइन के पास कितनी खतरनाक शक्तियाँ हैं और कितनी ज्यादा है, इसलिए हमें एक जादूगर की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए हीरो ब्राइन ने मेरे को ये मैप दिया है। इस मैप की लोकेशन के ऊपर हीरो ब्राइन का एक दोस्त रहता है जो बहुत ही बड़ा जादूगर है। और गाइस, हीरो ब्राइन का कहना है कि मैं मून पे जाता हूँ जीरो ब्राइन की सॉर्ड लेने के लिए, लेकिन हीरो ब्राइन, ये आर्मर साथ लेके जाओ, क्योंकि जैसे ही तुम स्पेस पर जाओगे तुम्हें डैमेज होगा। अरे बाप रे बाप, जिन देखो, ये हमारी बात कभी भी नहीं मानता। लेकिन गाइस, मुझे लगता है कि हीरो ब्राइन एक एंटिटी मोब है, उसे किसी भी आर्मर की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन, कान खोल के मेरी एक बात सुनो, तुम लोग जल्दी से इस जगह पे एक सीक्रेट लैब बनाओ जब तक मैं इस मैप की लोकेशन पे जाके उस जादूगर को ले आता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ से जाइंट एलेक्स को बुला लो। तो गाइस, जिन भी जा रहे हैं जाइंट एलेक्स को बुलाने के लिए, और जब तक यहाँ पर ये एक लैब बनाते हैं तो हम लोग चलते हैं इस मैप की लोकेशन पे। और हीरो ब्राइन तो आप लोगों को पता है कि एक बार दोबारा से मून पर चला गया है। गाइस, मुझे बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि वहां पर एंटिटी 606 भी था और होगलाला भी। तो गाइस, अभी मैं काफी हजार ब्लॉक दूर आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक भी मैं उस लोकेशन पे नहीं पहुंच पाया। लेकिन एक मिनट, अरे बाप रे बाप, एकदम से मौसम खराब कैसे हो गया? गाइस, अक्सर मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और सामने की साइड देखो, एक बिल्कुल ब्लैक कलर का पुतला, मतलब स्टैचू, लेकिन ये किसका? ओ माय गॉड, यहाँ पे एकदम पे मौसम का खराब होना और ब्लैक कलर का स्टैचू दिखाई देना, इसका मतलब है कोई संकट मेरे ऊपर। ओ अरे बाप रे बाप, ये क्या था गाइस? अरे बाप रे, ये तो मैंने एक ब्लॉक तोड़ा और इतनी खतरनाक डैमेज मिला मेरे को। कैसा ब्लॉक था ये? गाइस, आप लोगों ने कुछ नोट करा? इस ब्लॉक का नाम है नल स्टोन। ओ माय गॉड, इसको लगा के भागो, ये नल के स्टोन का। ओ गाइस, मेरे को तो लगता है कहीं नल इस वर्ल्ड में वापस तो नहीं आ गया, क्योंकि ऐसी हरकतें सिर्फ नल ही कर सकता है। लेकिन एक मिनट, थोड़ा आगे। ओ अरे गाइस, आप लोगों ने कुछ देखा? यहाँ पे एंटिटी 606 और एंटिटी 303 और साथ में नल भी। ओ माय गॉड, आज सुबह से ही मेरा मन बहुत ही घबरा रहा था और वो संकट हम पर आ चुका है। ये दरिंदा नल इस न्यू वर्ल्ड में कैसे आया? इसीलिए तो हम लोग पुराने वर्ल्ड को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए न्यू वर्ल्ड में आ चुके थे। लेकिन ये सारा काम इस दरिंदे एंटिटी 606 ने खराब करा है। मुझे लगता है इसी ने ही सबको बताया होगा कि स्टीव और हीरो ब्राइन पुराने वर्ल्ड को छोड़ के न्यू वर्ल्ड में जा चुके हैं। गाइस, हमें कैसे भी करके जल्दी से जीरो ब्राइन को जिंदा करना पड़ेगा और फिर वो इन सबको बताएगा। लेकिन अभी मुझे इन सबको चकमा दे के उस जादूगर की लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा। रे बाप, कितनी खतरनाक है ना ये तीनों। अच्छी बात ये हुई कि अभी तक इन दरिंदों ने मुझे नहीं देखा। और गाइस, मुझे भी लगता है कि मुझे यहाँ से सीधा निकल जाना चाहिए पतली गली से, इस मैप की लोकेशन को देखते देखते। तो फाइनली गाइस, अभी मैं उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ, वो जो जादूगर वाली थी। लेकिन एक मिनट, बाप रे बाप, ये किसका घर है भाई? हवा में किसका घर? एक मिनट,
कहीं ये उस जादूगर का तो नहीं। हाँ गाइस, फाइनली ये घर उसी जादू का है, क्योंकि इस मैप की लोकेशन यही पे है। बापरे, ऐसा काम तो सिर्फ एक जादूगर ही कर सकता है ना भाई। पूरी हवा में घर बना लिया, कितनी सुंदर घर है ना। लेकिन एक मिनट, मुझे भी यहाँ पे जाना पड़ेगा। और उसको एक मिनट, मुझे लगता है यहाँ से रास्ता है जाने का। एक मिनट, मेरे पास टेलीपोर्ट वाली शॉर्ट तो है। अरे बाप रे बाप, कहीं ये जादूगर मुझे मार न डाले। कितनी खतरनाक काम बताया ना हीरो ब्राइन ने मेरे को। लेकिन हीरो ब्राइन का नाम ही काफी है। यहाँ पर तो एक रास्ता है और ये रहा उसका घर। हेलो अंकल जी, हेलो, कोई है क्या यहाँ पे? बाप रे बाप भाई, किसी और के घर विदाउट एनी परमिशन जाना, क्या हाल होगा मेरा। बाप रे, कितनी खतरनाक सामान है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि इसी सामान से वो जादू करता होगा। और ये वाला सामान तो कितनी खतरनाक लगता है, ये तो कोई आर्मर लगता है मेरे को। भाई मुझे लगता है कि अभी हमें यहाँ से पतली गली से निकल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, कोई चोरी का इल्जाम ना लगा दे। ओ भाई, सामने की साइड एक रास्ता लगता है मेरे को, और ये तो कोई बेस वगैरह लगती है, आगे चल के देखना पड़ेगा। अरे यहाँ पर, ओ ये क्या है बे गाइस, ये मैं कहाँ पे पहुंच गया, और वो भी बिल्कुल अकेला। सामने की साइड एक पतली गली से रास्ता। एक मिनट, आगे चल के देखते हैं, मुझे लगता है वो जादूगर ये। ओ अरे बाप रे बाप, ये कौन? अरे रेड कलर के इतने सारे बड़े मॉन्स्टर। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ओ भाई, इन मॉन्स्टर की एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ये अभी तक मुझे मार नहीं रहे। इसका मतलब ये मुझे मारेंगे नहीं। ऐसा लगता है वो उस जादूगर के सिक्योरिटी गार्ड ना हो। और सामने की साइड एक दरवाजा भी। ओ भाई साहब, यहाँ पे कोई है गाइस, मुझे लगता है ये वही जादूगर है। हेलो हेलो जादूगर साहब, जादूगर साहब, मैं आपको लेने आया हूँ। गाइस ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। ऐसा लगता है ये अपने जादू को बढ़ाने के लिए कोई चिल्ला तो नहीं काट रहा। जादूगर साहब, मुझे हीरो ब्राइन ने भेजा है आपको लेने के लिए। अरे बाप रे बाप। गाइस जैसे ही मैंने इस जादूगर को हीरो ब्राइन का नाम बताया, एकदम से ये जाग गया। इतनी डरता है हीरो ब्राइन से। तो फाइनली गाइस, मैंने इस बंदे को बता दिया है कि मुझे हीरो ब्राइन ने यहाँ भेजा है तुम्हें लाने के लिए। और इस बंदे का कहना है कि तुम हीरो ब्राइन को जाके कहो कि जादूगर का कहना है कि मैं काफी हजार साल पहले ये काम छोड़ चुका हूँ। लेकिन मैंने इस बंदे को कहा कि इस टाइम हीरो ब्राइन पर एक बहुत ही बड़ा संकट आन पड़ा है, मतलब हमारे वर्ल्ड में काफी खतरनाक एंटिटीज आ चुके हैं जो हीरो ब्राइन को मारना चाहते हैं। और इसीलिए हीरो ब्राइन अपने भाई जीरो ब्राइन को जिंदा कर रहा है, जो काफी हजार साल पहले मर चुका था। तब जाके ये आदमी माना और अब ये हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो चुका है। गाइस मुझे तो लगता है ये जादूगर हीरो ब्राइन का पुराना दोस्त होगा, या फिर हीरो ब्राइन से डरता होगा, क्योंकि हीरो ब्राइन का नाम सुनते ही ये हमारे जादूगर साहब, एक मिनट रुकिए, आपको रास्ते का पता नहीं है? भाई साहब पता नहीं, इसको पता भी हो क्योंकि ये जादूगर है ना। एक मिनट, तो गाइस फाइनली अभी मैं इसको सीधा लेके जा रहा हूँ हीरो ब्राइन के पास। पता नहीं अब हीरो ब्राइन इससे क्या करवाएगा, देखते हैं। वैसे काम बहुत ही खतरनाक है। तो फाइनली गाइस हम लोग एक जगह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बंदे ने मुझे अपना मैजिक मतलब जादू दिखाया, जो कि बहुत ही खतरनाक था। अभी आप लोगों को भी दिखवाता हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी पिलीजर थे ना, सब लोग यहाँ पर इसका जादू देख के डर के भाग चुके हैं। आप लोगों को पता होगा कि पिलीजर कभी भी अपनी आउटपोस्ट को छोड़ के नहीं भागते, लेकिन इतनी खतरनाक मैजिक था कि वो सब लोग डर के मारे भाग गए। जादूगर साहब, मेरे दोस्त मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, इनको भी कोई मैजिक दिखाइए जो कि बहुत डरावना हो। गाइस लगता है ये मैजिक स्टार्ट कर रहा है। एक मिनट, अरे बाप रे बाप, ये अरे जादूगर साहब, ये क्या? गाइस ये तो जमीन के अंदर से मुर्दों के हाथ निकल रहे हैं। अरे बाप रे बाप, कच्ची हड्डियां, वो भी मरी हुई। जादूगर साहब प्लीज इसको बंद कीजिए, हमें बहुत ही डर लग रहा है और सारे लोग डर जाएंगे यूट्यूब पे। जादूगर साहब कोई ऐसा मैजिक दिखाइए जिसकी मदद से हम लोग कोई घर बना पाए, वो भी बहुत ही बढ़िया वाला। अरे बाप रे बाप गाइस, अभी तो मैंने इसको कहा था और इसने अपने जादू की मदद से एक ओपी घर भी बना दिया। कितनी कमाल का आदमी है ना, इसके जादू की मदद से पता नहीं हीरो ब्राइन इससे क्या क्या बनवाएगा। तो गाइस अभी तो हम जा रहे हैं सबसे पहले हीरो ब्राइन के पास, क्योंकि सबसे पहले जीरो ब्राइन का जिंदा होना बहुत ही जरूरी है। तो फाइनली गाइस मैं इस जादूगर को अपने घर ले आया हूँ। लेकिन एक मिनट, अरे जिन, तुम लोगों ने बेस नहीं बनाई क्या? जादूगर साहब ये है जिन, हीरो ब्राइन और मेरा दोस्त, और सामने की साइट हमारे घर है। अरे जिन, क्या बेस नहीं बनी अभी तक? या फिर ओ
अरे ये क्या कर रहे हैं? एक मिनट, अरे बाप रे बाप, क्या यही बेस है? ओ माय गॉड, जादूगर साहब जल्दी से आइए, और ये बेस अभी हमने न्यू बनाई है, चल के देखते हैं। हीरो ब्रायन, अरे बाप रे बाप, जिन इतनी खतरनाक काम तुमने अकेले कैसे किया? और हीरो ब्रायन कहाँ पे है? क्या हीरो ब्रायन अभी भी नहीं आया? जादूगर साहब यही है हीरो ब्रायन का भाई जीरो ब्रायन। लेकिन एक मिनट प्लीज जादूगर साहब, अभी आप कुछ मत करना, बस हीरो ब्रायन को वापस आने दो। मैं नहीं चाहता कि और कोई संकट आ जाए, अभी आप कुछ भी मत करो, हीरो ब्रायन आ जाए उसके बाद वो जो भी चाहेगा आप वैसे ही करना। लेकिन गाइस मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है, एक मिनट हीरो ब्रायन को बाहर चल के देखते हैं। वो मून पर अकेला गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि एंटिटी 606 तो इसी वर्ल्ड में था ना? होगा लाला यहाँ पे नहीं था, कहीं उसने और हीरो ब्रायन के बीच में। ओ अरे हीरो ब्रायन, फाइनली गाइस हीरो ब्रायन आ चुका है। हीरो ब्रायन, अच्छा हुआ तुम बहुत ही बढ़िया तरीके से वापस लौट आए हो, और मैं तुमको बताऊं, मैं उस जादूगर को भी ले आया हूं और पूरी बेस भी बन चुकी है। चलो मैं तुम्हें चल के दिखाता हूं, अब आएगा गाइस मजा। और ये देखो जीरो ब्रायन की सॉर्ड कितनी खतरनाक है ना, बिल्कुल वैसी है जैसी हीरो ब्रायन की है। लेकिन हीरो ब्रायन की ब्लू कलर है और जीरो ब्रायन की रेड कलर। मुझे लगता है जीरो ब्रायन जिंदा होने के बाद एक एक से बदला लेगा। एक मिनट गाइस, लगता है हीरो ब्रायन उस जादूगर को कुछ समझा रहा है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, पता नहीं क्या कह रहे हैं। हीरो ब्रायन, हीरो ब्रायन, हीरो ब्रायन, जब तक जीरो ब्रायन जिंदा नहीं होता तुम जीरो ब्रायन की सॉर्ड मुझे दे सकते हो यूज करने के लिए? ओ अरे बाप रे बाप, गाइस हीरो ब्रायन का कहना है कि ये वाली सॉर्ड तुम यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है और इसका वजन काफी ज्यादा है। लेकिन एक मिनट, अरे बाप रे बाप गाइस, पीछे की साइड देखो, ये हीरो ब्रायन कहाँ पे चला गया? अरे अच्छा, कहीं ये जादूगर जादू तो नहीं कर रहा? हीरो ब्रायन उसको कुछ बता रहा था ना। लेकिन एक मिनट, अरे जिन ये क्या हो रहा है? अरे बाप, ये तो जीरो ब्रायन जिंदा हो रहा है।